दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मान जाती हैं। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक महान राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ थे। उनके द्वारा बताई गई चाणक्य नीति को सीखने से आप जीवन की किसी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। साथ ही साथ चाणक्य नीति का ज्ञान आपके लक्ष्य को पूरा करने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। यदि आप किसी भी स्त्री के दिल में अपने लिए मोहब्बत बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस स्त्री को अपने प्यार में दीवानी बना दें, कुछ ऐसा उपाय कर दें ताकि वे आपसे मोहब्बत करे और आपके प्यार में पल पल तड़पे, दिन रात आपके प्यार में डूबी रहे और आपके सिवा किसी और से बात नहीं करे, तो आज मैं आपको बहुत ही शक्तिशाली मौनी बचकरण उपाय बताने वाला हूँ, जिसका कोई काट नहीं है। वह स्त्री आपके बस में होगी तो होगी, वह स्त्री आपके प्यार में दीवानी होगी तो होगी, बस रात को सोते समय ये उपाय करना है। तो दोस्तों, आइए जानते उपाय के बारे में। दोस्तों, जब भी आप सोने जाते हैं उस समय इस मंत्र को बोलना है। दोस्तों, मंत्र है ओम कामाख्या देवी अमुखी मैं मोना है स्वाहा। ये जो बसीकरण मंत्र है ये इतना शक्तिशाली है कि आप जैसे ही इस उपाय को करेंगे खुद आपको एहसास होने लगेगा, पल भर में चमत्कार दिखा देता है। जैसे ही आप मंत्र बोलेंगे ओम कामाख्या देवी अमुखी मैं मोना है स्वाहा, दोस्तों ये जो अमुखी है इस जगह पे आपको सौरत या लड़की का नाम लेना है जिसको आप अपने बस में करना चाहते हैं। दोस्तों, इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करना है। जाप करने के बाद चुपचाप सो जाएं। दोस्तों, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, तो दोस्तों इस उपाय को एक बार अवश्य करें। आपके द्वारा किया गया ये उपाय दोस्तों आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचा सकता है। तो गहनता के साथ इस बार आपकी मदद करते हैं। तो आपके द्वारा किया गया ये उपाय सफल हुआ। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण वाणी में इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर आप शुद्ध विचार, सतबुद्धि और अच्छे गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो जीवन में आपको कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप भगवान श्री कृष्णा जी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।